इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे हम एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो स्टीरियोस्कोपिक विज़न मिले, बाइनोकुलर विज़न मिले, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो दो फ़ोन है उसको अलग अलग, हमारा जो दो आई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उतने ही डिस्टेंस में दो फ़ोन के कैमरा रखे हैं और उसको लेके हम एक शूट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं बोर्ड के ऊपर एक मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो मैप है वो हमारा, हम कैसे एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि हमारा लैंड के ऊपर कोई रेंडम शेप है या फिर कोई लैंडस्केप है जहाँ पर कोई फार्म है या फिर कोई रोड्स है या फिर कोई सर्कल है या फिर कोई सिटी है या फिर कोई हाउसेस है, तो वो सारे के सारे जो रेंडम शेप है वो मैं अभी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करूँगा। तो इसको हमें हम एज अ मैप लेंगे और फिर हम बाद में क्या करेंगे, ये जो रैंडम शेप है उसके अंदर हम ग्राउंड पॉइंट कंट्रोल जो है वो उसको डिफाइन करेंगे। तो ग्राउंड पॉइंट कंट्रोल जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जब हम अलग अलग फोटोग्राफ खींचेंगे तो सारे के सारे जो ग्राउंड पॉइंट है उसका यूज़ करके हम सारे जो फोटो है उसको एक साथ मर्ज एंड स्केल डाउन कर सके। तो अभी जो बोर्ड है उसके ऊपर छोटे छोटे से मैंने रैंडम शेप ड्रॉ किए हैं जिसका हम वन बाय वन फोटोग्राफ लेते जाएंगे। अब जो है वो मैं बोर्ड के ऊपर वन बाय वन जो है वो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट सेट कर रहा हूँ और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है दो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसको मैं वन बाय वन नेम भी देता जा रहा हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, और जो दो कपल ग्राउंड पॉइंट है उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पहले से मालूम है। रियल लाइफ में क्या होगा कि जो ग्राउंड पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है जीपीएस कोऑर्डिनेट वो फिक्स होगा और दो जीपीएस कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम होता है। तो दो फोटोग्राफ है उसके ऊपर जो भी कोई ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसका यूज़ करके हम दो फोटोग्राफ है उसको ईजिली जो है वो रोटेशन फिक्स कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं और उसको ईजिली हम मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बोर्ड उसके ऊपर मैंने मैप है उसके ऊपर अलग अलग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट लिए हैं ताकि हम फोटोग्राफी के वक्त उसको हम कॉमन लेके फिर बाद में उसे मर्जिंग के लिए यूज़ कर सके। अब जो यहाँ पे हमने ग्राउंड पॉइंट लिए हैं उसका हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट है, सैटेलाइट है या फिर कोई ड्रोन है तो उसकी मदद से हम फोटोग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर मैं मोबाइल है उसकी मदद से ये जो बोर्ड वर्क है हमारा, यानी कि जो हमारा लैंडस्केप है उसका हम पैरेलल फोटोग्राफ खींचेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर जो है वो मैं फ़ोन की मदद से वन बाय वन फोटोज खींच रहा हूँ, तो जो सारे के सारे फोटोग्राफ है उसको हम बाद में मर्ज कर सके और हाई रिजोल्यूशन एक फ़ोटोग्राफ पा सके जो हमारा स्केल के मुताबिक फ़ोटोग्राफ होगा। तो अभी जो है वो मैं वर्टिकली अलाइनमेंट में रैंडमली कोई भी रोटेशन में फ़ोटोग्राफ्स ले रहा हूँ जिसके ऊपर जो है वो हमने ग्राउंड पॉइंट जो हमने डिफाइन किए थे वो फोटोग्राफ के अंदर आए उस तरीके से, ठीक है। तो सारे के सारे जब ग्राउंड पॉइंट आ जाएंगे, कॉमन रहेंगे फोटोग्राफ के अंदर, तो वो वन बाय वन मैं सारे के सारे फोटोग्राफ खींच रहा हूँ और वो जो फोटोग्राफ है उसको फिर हम पीसी में लेके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको हम वन बाय वन मर्ज करते जाएंगे।
एरियल फोटोग्राफी की रिप्लेसमेंट में जो हमने ऑनबोर्ड वर्क किया था, तो उसके जो फोटोग्राफ्स हैं सारे के सारे, वो हमारे पास अभी यहाँ पर है। तो उसको हम जो है वो ऑटोकैड्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क कंपनी का, उसका यूज करके अब हम सारे के सारे जो फोटो है उसको मर्ज करके स्केल वाइज फिर उसको हम एक मैप के तौर में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो मास्टर मैप है, यानी कि जो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर कंक्लूडेड है, तो यहाँ पर जो इमेजेस है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल कोई रैंडम शेप आप देख रहे हैं ब्लैक लाइन में जो है वो जो रैंडम शेप है वो क्या है, हमारा मैप है, यानी कि मैप की जियोमेट्री है। और जो रेड लाइन के जो डॉट देख रहे हैं, डॉट जो है वो हमारे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, जिसको रेफरेंस लेके हम जो है हमारा पूरा का पूरा मैप बनाएंगे। तो अब हम वन बाय वन जो सारी इमेज है उसको मर्ज करते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑटोकैड ओपन है, तो सारी की सारी इमेज है फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं ऑटोकैड के अंदर वन बाय वन ले लूँगा। ओके, अब यहाँ पर जो है हमारे पास सारी की सारी इमेज आ गई है। तो आप सारी इमेज को अगर कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट इमेज है उसका रोटेशन अलग है, स्केल अलग है, क्योंकि हमने जो फोटोग्राफ लिया था हमारा मोबाइल है उसको एयरक्राफ्ट समझ के, तो एयरक्राफ्ट का जो डिस्टेंस है लैंड के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट था, यानी कि जो हमने फोटोग्राफ्स लिए हैं उसका वर्टिकल डिफरेंस सारे के अंदर अलग अलग है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो अब सारे के सारे फोटोग्राफ है उसको हमें सेम स्केल में लाना है, और जो रोटेशन है उसको हमें सेम अलाइनमेंट में लाना है, ताकि हम इस सारे के सारे जो फोटोग्राफ है उसको मर्ज करके एक बड़ा सा फोटोग्राफ बना सके। इसके लिए आप ऑटोडेस्क का एक और भी सॉफ्टवेयर है, ऑटोडेस्क मैप 3D, उसके अंदर स्पेशल मैप बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जो फोटो मर्जिंग है वो ऑटोकैड के अंदर भी कर सकते हैं। वन बाय वन जो है वो हम सारे के सारे फोटोग्राफ है उसको स्केल डाउन करेंगे, ताकि उसकी मदद से हम सारे के सारे फोटोग्राफ को एक साथ मर्ज कर सके और रोटेशन कर सके। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी बेस लाइन थी, यानी कि दो पॉइंट जो है कोई भी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी पॉइंट है, तो वो दोनों के दोनों पॉइंट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 17 सेंटीमीटर। फिर फॉर एग्जांपल सी एंड डी पॉइंट है, तो उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पॉइंट के बीच का वो है 17 सेंटीमीटर। तो सारे के सारे जो पॉइंट है उसका 17 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस है, तो सारे के सारे फोटोग्राफ है उसको हम सबसे पहले 17 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो स्केल डाउन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, सारी की सारी जो लाइन है जिसको हमें स्केल डाउन करना है। ये लाइन 17 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली अभी कितनी है वो हम देखते हैं कि ये लाइन आप देख सकते हैं 28.19 मीटर की है। तो इसको हमें इमेज जो है उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, ताकि ये जो लाइन है वो 17 सेंटीमीटर की हो जाए। अब सारे के सारे जो पॉइंट है सभी ऑन इमेज, तो वो हम स्केल डाउन वन बाय वन करते जाएंगे। सभी फोटो के ऊपर हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए होगी जिसको हम ज्वाइन कर सके, तो ये जो फोटो के ऊपर है वो हमारा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस डिस्टेंस जो है वो हमें मालूम है, तो जिसकी मदद से हम सारे के सारे जो फोटोग्राफ है उसको हम इजीली मर्ज कर सकते हैं।
सारे के सारे जो फोटो है उसके ऊपर हमारे पास अब रेफरेंस लाइन अवेलेबल है, तो उसको अब हम वन बाय वन स्केल डाउन करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 17 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि ये लाइन छोटी सी यहाँ पर दिख रही है। तो सभी फोटोग्राफ को सबसे पहले तो मैं 10% जितना स्केल डाउन कर देता हूँ ताकि इजी पड़े हमें हमारी जो लाइन है उसके ऊपर मर्ज करने में। अभी हम थोड़े से फोटोग्राफ को छोटा कर देते हैं। ओके, तो अब जो फोटोग्राफ के ऊपर सारी की सारी जो लाइंस है वो 17 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर जो 17 सेंटीमीटर की एक लाइन है वो मैंने ड्रॉ की है। तो सारे के सारे जो फोटोग्राफ है उसको मैं इसके ऊपर मर्ज करूँगा ताकि जो फोटोग्राफ है उसकी लाइन जो है वो स्केल डाउन होके 17 सेंटीमीटर की हो जाए। तो सभी फोटोग्राफ के लिए मैं एक एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ। तो अब सबसे पहले मैं ये वाला फोटोग्राफ लूँगा और उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा अलाइन। ओके, ऑटोकैड के अंदर अलाइन नाम का कमांड आता है, उसका शॉर्टकट है ALL। ओके, ALL आप यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर स्पेस प्रेस करना है आपको, ALL स्पेस। ओके, तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो फर्स्ट आपको अलाइन करना है। ये पॉइंट जो है A वो यहाँ पर आ जाना चाहिए और जो B पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो वहाँ के A और B पॉइंट है वो यहाँ पर A एंड B पॉइंट हो जाएंगे। फिर आपको एंटर प्रेस करना है, तो आपको वो पूछेगा कि जो आपकी इमेज है उसको भी आप आपको स्केल डाउन करना है, तो आपको प्रेस करना है Y यानी कि यस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज थी वहाँ यहाँ पे आके स्केल डाउन हो गई। अब आप इसका अगर स्केल मेजर करते हैं तो वो 17 सेंटीमीटर हो गया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 सेंटीमीटर पॉइंट 17। इसी तरीके से जो है वो हम सारी की सारी जो इमेज है उसको हम स्केल डाउन वन बाय वन करते जाएंगे। अब जो सारे के सारे फोटोग्राफ है वो स्केल डाउन हो गए हैं। ओके, अब जो फोटोग्राफ है और लाइन है दोनों एक साथ मर्ज ही रहे, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो फोटोग्राफ और लाइन है उसको हम वन बाय वन ग्रुप करते जाएंगे। ओके, अब ये ग्रुप हो गया है, इसे भी हम ग्रुप कर देते हैं। वन बाय वन सारे फोटोग्राफ एंड लाइन को हमें ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है ताकि दोनों मर्ज ही रहे। अगर हमें सारा के सारे फोटोग्राफ कंबाइन करने हैं यानी कि फ्यूजन करना है तो उसके लिए हमें ये मर्जिंग ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ओवरलैप हो जाएंगे तो कौन सी लाइन किस फोटोग्राफ की है वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम इसको ग्रुप कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक मास्टर फोटोग्राफ है जिसके ऊपर हमें ये सारे के सारे फोटोग्राफ है वो मर्ज करने हैं, यानी कि किसका प्लेस कहाँ पर है वो हमें यहाँ से मालूम होगा कि ए पॉइंट कहाँ पर है, बी पॉइंट कहाँ पे है, सी पॉइंट कहाँ पे है। ओके, तो ये सारे के सारे फोटोग्राफ है उसकी मदद से हमें हमारी फोटोग्राफ का रोटेशन क्या है तो वो हमें मालूम पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ई एंड एफ पॉइंट है तो उसके बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है 17 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस फोटोग्राफ को भी हम 17 सेंटीमीटर के मुताबिक स्केल कर देते हैं। ओके, सारे जो फोटोग्राफ है उसकी हम एक साइड में कॉपी ले लेते हैं ताकि हमारा मेन जो सोर्स है वो वैसा का वैसा ही रहे। ओके, अब ये दोनों जो फोटोग्राफ है उसको भी हम मर्ज कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो सारी की सारी लाइन है उसके ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें इजीली जो है वो सारे के सारे पॉइंट मर्ज करने में आसानी हो। तो हमारे जो 13 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट थे, ओके, 13 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की जो लाइंस थी वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब ये सारी की सारी जो लाइंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो सारी की सारी लाइन जो है वो यहाँ पर फोटोग्राफ के ऊपर भी है। तो ये फोटोग्राफ को हमें ऐसे रोटेट करना है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी की जो लाइन है यहाँ पर, तो ए एंड बी की जो यहाँ पर लाइन है उसके ऊपर ये फ्यूज़ करनी है, यानी कि इसके मुताबिक इसको रोटेशन देना है। अब दोनों के दोनों जो इमेज है उसका स्केल तो 1:1 ही है, तो हमें अब स्केल डाउन नहीं करना है, सिर्फ रोटेशन जो है उसको हमें
अलाइन करना है ताकि जो सारे फोटोग्राफ है वो मर्ज होके एक बड़ी सी इमेज बन सके। तो अब जो ये मास्टर फोटोग्राफ है उसको हम एक ग्रुप बना देते हैं ताकि हम सारे के सारे जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर रोटेट कर सके। तो ये जो फोटोग्राफ है उसको हमें अलाइन करना है, सिर्फ अलाइन करना है, नॉट स्केल नहीं करना है हमें। ओके, तो ए पॉइंट जो है और यहाँ का ए पॉइंट जो है वो, फिर बी पॉइंट जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो बी पॉइंट है इसको हम अब एंटर देंगे। तो आपको यहाँ पे पूछेंगे अलाइन स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, तो आपको लिखना है नो, क्योंकि दोनों के दोनों जो स्केल है वो सेम ही है। तो आप देख सकते हैं ए बी पॉइंट जो है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो इमेज सेट हो गई है और सी डी के ऊपर एक्चुअली ओवरलैप हो गई है। ओके, अब जो हमारी इमेज है उसको हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। ओके, तो अब जो सारी की सारी जो इमेजेस थी उसको हमने एक मेन जो इमेज हमारी फ्रेम थी उसके रेफरेंस में हमने अलाइन एंड रोटेट करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके मर्ज कर दिए है। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी इमेज है उसके कोई ना कोई जो है वो ओवरलैप पॉइंट है और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, उसके मुताबिक हमने उसको रोटेट एंड स्केल डाउन किया है। और यहाँ पर थोड़ी सी एक्यूरेसी कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लाइन एग्जैक्टली जॉइंट नहीं हो रही है क्योंकि हमारे जो डॉट्स है उसका ही डायमेंशन कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि डॉट है तो उसकी लाइन हम कहाँ से स्टार्ट करें कि उसका एग्जैक्ट पॉइंट नहीं था। लेकिन एक्चुअल जो एरियल सर्वे होता है उसका जो है जीपीएस कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली फिक्स होता है, तो उसके मुताबिक आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फंक्शनैलिटी जो है एरियल फोटोग्राफी की वो मैंने आपको दिखाई कि जो सारे के सारे जो फोटोग्राफ है, कोई हमारा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेरेन था, ये मैप था, उसके ऊपर से हमने अलग अलग जो है वो फोटोग्राफ लिए और सारे के सारे जो फोटोग्राफ है उसको हमने स्टेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है दो स्टेशन पॉइंट के बीच का उसके मुताबिक हमने उसको स्केल डाउन कर दिया और उसके मुताबिक जो है हमारा फोटो रोटेट किया और स्केल करके उसके ऊपर मर्ज कर दिया और उसके मुताबिक हमने जो है वो एक मैप बनाया। तो गूगल अर्थ है या फिर कोई भी और जो है वो जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो सारी की सारी जो इमेज है मैप की एरियल फोटोग्राफी की इसी तरीके से जो है वो मर्ज करते हैं।